सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो ये जो सारे आप पार्ट्स देख रहे हो, इन सभी पार्ट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा एक अमेजिंग गेमिंग पीसी बनाएंगे। एंड ये एक फुल सेटअप पीसी बिल्ड होने वाला है। इसकी जो कॉस्ट पड़ने वाली है वो 55,000 to 60,000 के आसपास पड़ेगी। एंड ये वाला गेमिंग पीसी हम बना रहे हैं अभिषेक तिलावत भाई के लिए, जो कि एमपी से रहने वाले हैं। तो इनकेस अगर आपको भी कोई ऐसा गेमिंग एडिटिंग या फिर स्ट्रीमिंग पीसी बिल्ड करवाना था, तो अब आप आपका गेमिंग पीसी हमसे ही बनवा सकते हो एकदम आसानी से यार, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके। हमारी इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगी यहाँ पे, जो कि प्लेस हो रही होगी टेक कम्युनिटी इंडिया। हमारी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन एंड फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगी। यहाँ पे जाके मैसेज करके, प्रॉपर डिस्कशन करके, वीडियो या वॉइस कॉल करके आप अपने लिए एक ब्रांड न्यू चमचमाता हुआ गेमिंग पीसी बनवा सकते हो। हम ऑल ओवर इंडिया शिप करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम प्रोसेसर से। एंड प्रोसेसर हम ये वाला यूज कर रहे हैं जो कि है Ryzen 5 3600। इसके अंदर आपको टोटल 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स देखने मिल जाते हैं। साथ ही साथ में AMD की साइमल्टेनियस मल्टीथ्रेडिंग टेक्नोलॉजी भी देखने मिल जाती है। एंड ठीक ठाक से यहाँ पे 4.2 GHz की मैक्स बूस्ट क्लॉक देखने मिल जाती है। 3.6 GHz की बेस्ट क्लॉक देखने मिल जाती है। तो एक ओवरऑल काफी ज्यादा बढ़िया सा प्रोसेसर है। एंड अभी जो इसकी प्राइसेस है वो काफी ज्यादा कम हो गई है। तो अब इसकी सील को हम ओपन कर लेते हैं एंड इसके अंदर से प्रोसेसर एंड स्टॉक कूलर निकाल लेते हैं। अब काफी लोग पूछते हैं कि विवेक भाई, स्टॉक कूलर अलग तो नहीं लेना पड़ता है? तो गाइस ऐसा कुछ नहीं, स्टॉक कूलर आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये रहा हमारा प्रोसेसर एंड ये रहा हमारा स्टॉक कूलर। एंड इसके अंदर कुछ हमें पत्रियां देखने मिल जाती हैं जिसको हम कभी पढ़ेंगे नहीं। फिलहाल बॉक्स को साइड में रख देते हैं एंड स्टॉक कूलर एंड प्रोसेसर को हम निकाल लेते हैं। एंड अच्छी बात तो यह है कि भाई इसके अंदर आपको पेस्ट भी देखने मिल जाता है, यानी प्री अप्लाइड पेस्ट यहाँ पे लगा हुआ आता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ये रहा, हालांकि AMD के स्टॉक कूलर से यार इंटेल के स्टॉक कूलर से काफी ज्यादा बढ़िया होते हैं, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। तो इसको हम फिलहाल अभी साइड में रख देते हैं। एंड प्रोसेसर ये रहा हमारा, इसको हम फिलहाल साइड में रख देते हैं। अब हम अपने ग्राफिक कार्ड को अनबॉक्स कर लेते हैं जो हम इस वाले बिल्ड में यूज करने वाले हैं। तो ग्राफिक कार्ड हम ये वाला लगा रहे हैं, 1650 Inno 3D का GDDR6 वाला 4GB का ग्राफिक कार्ड है। एंड 3 साल की यहाँ पे आपको वारंटी देखने मिल जाती है। काफी अच्छा सा ग्राफिक कार्ड है। अगर आपका बजट था अराउंड 15-16 हज़ार, तो आप ये वाले ग्राफिक कार्ड को ले सकते हो। यहाँ पे आपको डायरेक्ट S12 का सपोर्ट भी देखने मिल जाता है। तो फिलहाल इसके भी हम सील को ओपन कर लेते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से यार ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है ये थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है अभी भी, क्योंकि मार्केट में बजट वालों के लिए यार अगर ऐसे हम देखें तो ज़्यादा ढेरों ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे इनकी जो पैकेजिंग है कुछ इस तरह की आती है। एंड यहाँ पे भी आपको यार कुछ पत्रियाँ देखने मिल जाती है जिसको हम कभी भी पढ़ते नहीं है भाई। तो इसको भी हम फिलहाल साइड में रख देते हैं एंड हम अपने ग्राफिक कार्ड को निकाल लेते हैं, जो कि यार पैकेजिंग काफ़ी ऐसे तगड़ा करके देते हैं ये लोग। एंड अभी जो माइनिंग के बाद वाला सीन हुआ ना, तो यहाँ पे आप लोगों को एक वार्निंग देखने मिल जाएगा कि भाई यहाँ इस वाले कार्ड को आप क्रिप्टो माइनिंग के लिए यूज़ मत करना, वरना वारंटी वॉइड हो जाएगी। पर यार ये लोगों को क्या घंटा मतलब पता कैसे चलता है यार कि माइनिंग में कार्ड यूज़ हुआ है या नहीं, ऐसे पता भी नहीं चलता मेरे हिसाब से। तो ये रहा कार्ड जो कि यार ड्यूअल फैन वाला ग्राफिक कार्ड है। एंड यहाँ पे आप लोगों को यार एक DP पोर्ट, एक HDMI और एक DVI पोर्ट देखने मिल जाता है। तो ग्राफिक कार्ड को भी फिलहाल हम साइड पे रख देते हैं एंड इसके बाद हम अनबॉक्स करेंगे अपने मदरबोर्ड को जो हम इस वाले बिल्ड में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ये Galaxy का B450M मदरबोर्ड, जिसके अंदर आप लोगों को यानी बॉक्स इसके अंदर भी आपको यहाँ पे यार फिर से पत्रियां देखने मिल गई। तो इसको साइड पे रख देते हैं एंड मदरबोर्ड को अनबॉक्स कर लेते हैं हम। ये रहा हमारा मदरबोर्ड। एंड गाइस यहाँ पे एक चीज़ यार हमेशा याद रखो कि मदरबोर्ड जब निकालो तो उसके साथ साथ जो आपको IO सील मिलती है डब्बे के अंदर वो भी निकाल लो। एंड यहाँ पे ये साटा केबल देखने मिल जाते हैं। NVMe का इन्होंने डायरेक्ट वो नहीं दिया है, डायरेक्ट इसके अंदर ही स्क्रूज फिट हुए हैं। तो यहाँ पे हम मदरबोर्ड को भी अनबॉक्स कर लेते हैं। कुछ इस तरह की पॉलीथीन में आपको यार मदरबोर्ड देखने मिल जाता है। हालांकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, Micro ATX मदरबोर्ड ही है एंड एक बजट कैटेगरी का मदरबोर्ड आप इसको कह सकते हो। B450 में आपको इतना छोटा मदरबोर्ड यानी Micro ATX मदरबोर्ड देखने मिल जाता है। यहाँ पे आपको 2 RAM स्लॉट देखने मिल जाते हैं एंड साथ ही साथ में यहाँ पे आपको NVMe SSD का स्लॉट भी देखने मिल जाता है। एंड यहाँ पे यार आप अपना प्रोसेसर लगा सकते हो। तो फिलहाल हम इसको भी साइड में रखेंगे एंड इसके अंदर हम जो स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं उसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ये हम लगाने वाले हैं NVMe SSD, जो कि है ADATA की Legend 700 Zen 3 वाली NVMe SSD है। यहाँ पे आपको ठीक ठाक सी यार रीड एंड राइट स्पीड देखने मिल जाती है। इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये कि भाई इसके अंदर आपको यार हीट सिंक देखने मिलती है एंड 512 GB की NVMe SSD है। तो इसकी सील को भी हम ऐसे काट देंगे एंड इसको भी हम ओपन करके
देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पहले से ही आपको यार हीट सिंक देखने मिल जाती है, जो कि इस तरह की है। अब यहाँ पे अगर लगाने के टाइम पे आपको सिंपली ये रिमूव करके आप लगा सकते हो। एंड ये रही आपकी NVMe SSD, जो कि है ADATA की 512 GB की NVMe SSD। तो फिलहाल हम इसको भी साइड पे रखेंगे। एंड इसके बाद मैं आप लोगों को रैम दिखा देता हूँ, हम जो इस वाले बिल्ड में यूज़ कर रहे हैं। हालांकि रैम को यहाँ पे मैंने पहले से ही अनबॉक्स कर लिया है। ये है रैम, जो कि है XPG का रैम है। 8 GB की सिंगल स्टिक है, 3200 MHz वाली रैम है। तो परचेस करना हो इसमें से कोई भी पार्ट, तो यार सारे ही पार्ट्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। इसको भी हम साइड पर रख देते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा कॉम्पोनेंट है वो है हमारा PSU। पावर सप्लाई भी हम अनबॉक्स कर ही देते हैं। यहाँ पे हम ये वाला PSU यूज़ कर रहे हैं, जो कि है उनका डीप कोल का PF450 PSU 80+ स्टैंडर्ड सर्टिफाइड PSU है। एंड ठीक ठाक सी बिल्ड क्वालिटी है। हालांकि ये लोगों की पैकेजिंग यार बड़ी ही मतलब ऊंधा रहती है। यहाँ पे पहले आपको एक पॉलीथीन हटाना पड़ेगा, उसके बाद ये वाले PSU को आप अनबॉक्स कर सकते हो कुछ इस तरह से खोल के। एंड गाइस ये शायद है ना हमारा इस साल का लास्ट बिल्ड होने वाला है। तो PSU के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, एक तो पावर केबल देखने मिल जाता है आपको, दूसरा यहाँ पे आपको कुछ जिप टाइप देखने मिल जाती है एंड स्क्रूज देखने मिल जाते हैं। एंड अगेन यहाँ पे कुछ पोथी पत्रियाँ हैं जिसको हम नहीं पढ़ेंगे, तो इनको भी हम फिलहाल साइड पे रख देते हैं। एंड हम PSU अपना देख लेते हैं। तो ये रहा PSU, जो कि है डीप कोल का 450 वोल्ट का PSU, जो इस तरह का आपको देखने मिल जाएगा। ब्रीडेड केबल्स आपको देखने मिल जाते हैं एंड रिक्वायर्ड सारे केबल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसको भी हम फिलहाल साइड पे रख देते हैं। अब PSU हमने अनबॉक्स कर लिया, एक चीज़ बचा हुआ है जो कि है ये फैन। एंड ये है डीप कोल के RF120FS वाले RGB फैन। अब इनको भी अनबॉक्स करके दिखा लेता हूँ, क्योंकि हम ये वाले फ़ैन को भी लगाने वाले हैं, क्योंकि इस वाले बिल्ड में हम जो केस यूज़ कर रहे हैं उसमें ये वाला फ़ैन पीछे लगेगा, पीछे फ़ैन नहीं आता है। तो इसके अंदर आपको स्क्रू देखने मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको ये सारे के फ़ैन देखने मिल जाता है। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है कि खाली एक जो फ़ैन हब में जो आपका कनेक्टर लगता है उसी से ये लाइट अप भी हो जाता है। तो यार काफ़ी अच्छा खासा फ़ैन है। इसको मैंने ऑलरेडी पहले पिछले बिल्ड्स में यूज़ किया है, तो इसको भी हम साइड पे रख देते हैं। अब गाइस ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ अनबॉक्स कर लिया है। यहाँ पे दो चीज़ें बची है, एक हमारा मॉनिटर। मॉनिटर के लिए यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं LG का उनका 24MP400 मॉनिटर, जो कि यार 24 इंचेस का IPS पैनल है, 75 Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 10,500 के आसपास आपको मिल जाएगा, 10,500-10,800, प्राइसेस वेरी करती रहती है। लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके परचेस कर लेना। लास्ट में यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कैबिनेट के लिए एनटेक का उनका NX320, जिसके अंदर आपको फ्रंट में 3 ARGB फैन देखने मिल जाते हैं। डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, मेस वाला पैनल देखने मिल जाता है, ऊपर आपको मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर देखने मिल जाता है, टेम्पर्ड ग्लास देखने मिल जाता है एंड ओवरऑल जो भी बेसिक से फीचर है वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो ओवरऑल एक बढ़िया सा कैबिनेट है। अगर आपका बजट कम था, मतलब आपका बजट अराउंड 4000 से लेकर 4500 था, तब आप इसको ले सकते हो। हालांकि पीछे यहाँ पे आपको कोई फैन नहीं मिलता है, इसीलिए यहाँ पे हम एक एक्सटर्नल फैन लगाने वाले हैं डीप कूल का। एंड गाइस इस वाले बिल्ड में हमने ये वाला गेमिंग हेडफोन भी इंक्लूड किया है, जिसकी प्राइस अराउंड यार 2500 से 3000 है। तो काफी अच्छा खासा हेडफोन है, दिखने में तो यार काफी ज्यादा OP लगता है। तो ये थे वो सारे कॉम्पोनेंट्स जो कि हम इस वाले फुल PC बिल्ड में यूज करने वाले हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए यार चलो इस वाले PC को हम बना लेते हैं फटाफट से। सो गाइस सबसे पहले हम मदरबोर्ड से शुरू करते हैं। एंड मदरबोर्ड आपको सिंपली यार अपने बॉक्स पे ही रख लेना है, सबसे अच्छा तरीका यही है। अगर आप CPU मदरबोर्ड के अंदर लगाने वाले थे तो बॉक्स मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब सबसे पहले ये दोनों को हम निकाल देते हैं, ताकि हम उसके बाद अपना डायरेक्ट जो स्टॉक कूलर है उसको लगा सकें। एंड आपको एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि मैं यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई सा भी स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये स्क्रूज को निकाल दिया है। अब हम सबसे पहले यार अपने स्टॉक कूलर को लगाएंगे, जिसके ऊपर पहले से ही पेस्ट अप्लाइड होता है। बट स्टॉक कूलर को लगाने से पहले यहाँ पे आपको प्रोसेसर लगा लेना है। एंड प्रोसेसर लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, सिंपली आप इस बॉक्स में से आप प्रोसेसर को निकाल लो। एंड यार ध्यान दो कि ऊपर की साइड से ही हमेशा प्रोसेसर को पकड़ो, क्योंकि पीछे इसके जो पिन्स आती है वो बैंड ना हो बिल्कुल भी। एंड यहाँ पे लगाने के लिए आपको जो यहाँ पे एक एरो की दिख जाएगा, वो एरो की आपको मदरबोर्ड में भी दिखेगा यहाँ से छोटा सा। एंड लीवर को आपको उठा लेना है, एंड ये जो एरो की है उसी साइड आपको सिंपली प्रोसेसर दोनों रख के ऐसे आपको मैच कर देना है, ऑटोमेटिकली वो गड्ढे में चला जाएंगे एंड आपका प्रोसेसर लग जाएगा लीवर दबाने के बाद। एकदम सिंपल सा आसान सा तरीका है, प्रोसेसर आप लगा सकते हो इस तरह से। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा आंसर कर दूं। एंड अब स्टॉक कूलर लगाने का एकदम आसान तरीका, आपका जो रैम है उसके अपोजिट साइड में आप इसको AMD का सिंबल ले लो एंड यहाँ पे जो चारों आपके स्क्रूज है उसको सिंपली अलाइन करके रख दो। एंड उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेसर इसको स्टॉक कूलर को ऐसे प्रेस करो एंड स्क्रूज को टाइट करना शुरू कर दो। एक साइड का टाइट हो जाए उसके बाद आप अपोजिट साइड में टाइट करो, ताकि दोनों तरफ से एंड आसानी से आप स्टॉक कूलर इस तरह से लगा सकते हो। सेम तरह से आपको चारों स्क्रूज टाइट कर देने हैं, एकदम ज़्यादा भी टाइट मत कर लेना, नॉर्मल से टाइट कर देना। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको टाइट कर दिया है। एंड अब यहाँ पे इस कनेक्टर को हम लगा देंगे एंड टर्न कर लो, मतलब गांठ मार दो, ताकि जो केबल्स रहे वो काइंड ऑफ ज़्यादा ऐसे विजिबल ना रहे। एंड यहाँ पे आप इसको साइड में लगा दो। तो अब देख रहे
हो, मतलब पता भी नहीं चल रहा है कि यार इसका जो केबल है वो कहाँ चला गया। इस तरह से आप आराम से मतलब लगा सकते हो इसको बड़े ही आसानी से। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने NVMe SSD को लगा देते हैं। NVMe SSD लगाना भी एकदम काफ़ी आसान है। सबसे पहले तो यार आपको यहाँ पे जो छोटा सा स्क्रू देखने मिल रहा है उसको आप निकाल लो स्क्रू, एंड उसके बाद अपनी NVMe SSD को यहाँ पे लगा दो, एंड थोड़ा सा प्रेस करोगे ऐसे कट करके आवाज़ आएगी। काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग आवाज़ है यार, ये आवाज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड उसके बाद आपको सिंपली स्क्रूज को टाइट कर देना है, एंड आपकी NVMe लग गई टेंटना। एकदम सिंपल सा स्टेप है। उसके बाद हम अपने NVMe SSD के साथ जो हीट सिंक आई है उसको लगा देते हैं, एंड यहाँ पे जो गम है इसको निकालेंगे हम। उसके बाद आराम से हम अपनी NVMe SSD की हीट सिंक को लगा देंगे। ओके, तो ये भी लग चुकी है। एंड लास्ट हम अपने रैम को लगा लेते हैं। अब रैम लगाना भी एकदम आसान है, ये दोनों को आपको नीचे करना है, एंड सिंपली देख लो कि ये जो गड्ढा होगा वो गड्ढे में आराम से आपका जो रैम है वो बैठ जाए। एंड उसके बाद दोनों तरफ से आपको एक सिंपल प्रेस, ये सिंपल प्रेस हो गया। तो ये जो माल मटेरियल था ये हमने तैयार कर लिया है। अब बारी आती है कैबिनेट की, इसको हम अपने कैबिनेट के अंदर डालते हैं, तो वो वाला पोर्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले हम यार केस को डब्बे के अंदर से बाहर निकाल लेते हैं, एंड दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला कैबिनेट। अब यहाँ पे सबसे पहले तो यार मैं करता क्या हूँ, मदरबोर्ड लगाता हूँ, बट इस बार हम सबसे पहले यार फैन लगाएंगे, यानी फैन को माउंट कर देंगे ऊपर की तरफ। एंड फैन को माउंट करने के बाद यहाँ पे हम अपने मदरबोर्ड को लगाने वाले हैं कैबिनेट के अंदर, एंड बाकी के जो भी जो कंपलसरी स्क्रूज है वो सारे के सारे आप लगा दो। एंड एक चीज तो बताना भूल ही गया यार, कैबिनेट को निकालने के बाद आपको दोनों पैनल खोलना पड़ता है, एक तो आपका टेम्पर्ड ग्लास है, एक साइड का पैनल, वो आप लोग यार फटाफट से कर लेना। एंड यहाँ पे मदरबोर्ड लगाने के बाद अब जो अगला स्टेप बचता है वो बचता है हमारा PSU। PSU को हम यहाँ पे लगा देते हैं, जो कि है डीप कूल का उनका 450 वोल्ट का PSU, एंड ये पीछे की तरफ PSU श्राउड में लग जाएगा। पीछे चार स्क्रूज आप लगा दो आराम से। एंड PSU लगाने के बाद आप सारे जो केबल्स हैं, नेसेसरी केबल्स हैं, जैसे 28 पिट कनेक्टर हो गया, PCI कनेक्टर, सारा केबल यार मदरबोर्ड के अंदर लगा दो। एंड यहाँ पे F पैनल वाले कनेक्टर को भी लगा देना। एंड एक चीज़ बताना भूल ही गया यार, मदरबोर्ड लगाने से पहले हमको IO शील्ड लगानी थी, तो IO शील्ड हमने लगा दी है। IO शील्ड आप सबसे पहले लगा लो मदरबोर्ड लगाने से पहले, एंड उसके बाद बाकी के स्टेप्स को फॉलो करना, क्योंकि IO शील्ड नहीं लगाओगे तो भाई वो अगर PC बिल्ड कर लोगे तो बाद में आपको सारा कुछ निकाल के फिर से IO शील्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि IO शील्ड के बिना यार पीछे का पोर्शन काफी ज्यादा बेकार सा दिखता है। एंड यहाँ पे हमने यार मदरबोर्ड लगा लिया। अब उसके बाद ग्राफिक कार्ड हम यहाँ पे लगा लेते हैं, जो कि है GTX 1650। एंड गाइस, GPU लगाने के बाद पीछे यार अच्छा सा केबल मैनेजमेंट हमने कर दिया है, तो आप भी यार अच्छी तरह से केबल मैनेजमेंट कर लो। आपको जो जिप टाइज मिलती है उनका आप उपयोग कर सकते हो, एंड अच्छा सा केबल मैनेजमेंट कर सकते हो, एंड एक क्लीन लुक अचीव कर सकते हो इस वाले केस के साथ। तो केबल मैनेजमेंट करने के बाद पीछे का पैनल एंड आगे का पैनल लगा दो, एंड उसके बाद पावर केबल लगाओ और आपका जो PC है उसको ऑन कर लो। अगर आपका PC ऑन हो जाता है, दैट मीन्स कि आपने यार कोई दिक्कत नहीं की है, कोई गड़बड़ नहीं है की है PC बिल्ड करते टाइम। तो यहाँ पे हम ऑन कर लेते हैं अपने PC को, एंड यहाँ पे हमारा जो PC है वो ऑन हो गया है। यार लुक्स काफ़ी ज़्यादा कमाल के निकल के आए हैं इस वाले केस के, मतलब लग नहीं रहा था कि यार इतना अच्छा लगेगा यार बनने के बाद। मतलब आगे के जो फ्रंट में केस मिल जाते हैं उनको भी आप ऊपर से कंट्रोल कर सकते हो, बटन आपको मिल जाता है LED बटन, एंड पीछे जो हमने केस लगा रखा है एग्जॉस्ट के लिए एयर फ्लो भी अच्छा रहेगा, एंड फ्रंट में यार काफ़ी अच्छा खासा लुक यहाँ पे दिया है। तो बजट में यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैबिनेट है ये एनटेक का। लेना हो तो यार लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। सो कैसा लगा आप लोगों को ये वाला PC, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना। इस वाली वीडियो को जो लाइक एम है वो ज़्यादा नहीं, बस 1000 है, आई होप आप लोग पूरा करवा दोगे। एंड PC ऑर्डर करना था तो भाई इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर लेना। बाय द वे यार, ये 2022 का आखिरी AMD बजट वाला PC बिल्ड होने वाला है, तो अब जो एकदम नया नवेला PC बिल्ड आएगा वो हम करने वाले हैं 2023 में। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, बाकी मैं भी मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।